भारत के हाथ तो जैसे कि जैकपॉट लग गया है, और एक तरफ ये खजाना भारत को रूस और सऊदी दोनों ही दे रहे हैं, दोनों ही देश अचानक से पलट चुके हैं, तो वहीं बोनस में अमेरिका एक अलग से बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा है। अमेरिका सऊदी अरब को एक गारंटी दे रहा है कि नाटो की तरह हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, अगर तुम पर हमला हुआ तो वो हमला माना जाएगा अमेरिका पर हुआ। लेकिन इसमें भारत क्यों खुश हो रहा है? क्योंकि भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जानेंगे भारत के लिए क्या खुशखबरी है। तो वहीं ये सब कुछ जो हो रहा है, इसमें एक देश का नामो निशान मिट रहा है, और आने वाले समय में हो सकता है वो देश भी नक्शे पे नजर न आए। जानेंगे कौन सा वो देश है जिसके लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। तो भारत इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए बहुत फायदे वाली चीजें हो रही है, जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले जब रूस ने ये ऐलान कर दिया कि हम अब भारत को डिस्काउंट नहीं देंगे, डिस्काउंट देना बस में नहीं है। रूस ने ये बात इसलिए कही क्योंकि रूस ने कहा कि हमने अब प्रोडक्शन कट करना शुरू कर दिया है। प्रोडक्शन कट सऊदी के साथ मिलकर एक प्लान किया गया खेल था, लेकिन भारत ने अब जिस तरीके से अपनी कूटनीति बदली है ना, सारे दोस्त हो या मन हो, कोई भी अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो ये ब्लैकमेल करना उसे ही भारी पड़ता है। भारत ने क्या किया, सऊदी अरब और रूस को छोड़कर इराक से अन्य देशों के साथ, यहाँ तक कि अमेरिका से भी तेल खरीदना शुरू किया। इराक से इन्होंने ज्यादा तेल खरीदना शुरू किया और इराक ने भी पर बैरल $2 की छूट देनी शुरू कर दी। अब यहाँ सऊदी के मुकाबले में छूट मिल रहा था, भारत ने खरीदना सबसे शुरू रखा लेकिन ज्यादा कर दिया इराक से और अन्य देशों से। अब एक महीना पूरा का पूरा निकल गया, अगस्त महीने का जो आंकड़ा आया उस आंकड़े में दिखा कि सऊदी अरब और रूस को छोड़कर भारत ने इराक के साथ बम्पर खरीदारी की है। अब रूस को समझ में आ गया कि अब तो दिक्कत बढ़ने लगी है, हमें पैसे चाहिए और पैसे के लिए हमारे पास ग्राहक होने जरूरी हैं। पर रूस से पहले सऊदी अरब को अकल आ गई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, सऊदी अरब ने घोषणा की कि हम डिस्काउंट देना अपने एशियन पार्टनर को जारी रखेंगे। सऊदी अरब के इस घोषणा के बाद तुरंत रूस का भी आंकड़ा निकल कर सामने आ गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सितंबर महीने में भारत ने रूस से ताबड़तोड़ खरीदा है, और कितना, अगस्त महीने की तुलना में 15% ज्यादा तेल खरीदा गया है रूस से। लेकिन यहाँ पर एक आंकड़ा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो आंकड़ा ये था कि भारत ने अगस्त महीने से सितंबर महीने में 15% रूस से ज्यादा खरीदा, तो 17% इराक से भी ज्यादा खरीदा। यानी इराक से भारत ने कम नहीं किया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मुसीबत के वक्त जो काम आए वही अच्छा वाला दोस्त होता है। अतड़ी का गोश्त गोश्त नहीं होता और खुशामती दोस्त दोस्त नहीं होता। आपने कल डिस्काउंट बंद किया, आज डिस्काउंट चालू किया, कल फिर बंद कर दोगे। लेकिन इराक ने उस समय भी हमें डिस्काउंट दिया, आज भी दे रहा है, तो उम्मीद है कि वह कल भी देगा। नहीं भी दे तो भी निभाना तो बनता है। भारत ने इराक के साथ अपने तेल की खरीद को भी बढ़ा कर ही रखा है, 2% रूस की तुलना में ज्यादा ही खरीद रहा है इराक से। लेकिन हाँ, रूस से भी भारत ने अब खरीदारी तेज कर दी है, यानी दोनों के दोनों देश अपनी सारी कूटनीतिक राजनीतिक चालें हारने के बाद वापस से भारत की शरण में आए और भारत को इन्होंने बेचना शुरू किया क्रूड ऑयल। हालांकि ये सब कुछ जो चल रहा है ना, क्रूड ऑयल का खेल, और कुछ साल तक इसके बाद ये क्रूड ऑयल का खेल ही खत्म हो जाएगा, और आप देखेंगे उल्टा भारत पूरी दुनिया को एनर्जी सप्लाई कर रहा है, क्योंकि भारत का जो एनर्जी होगा वो ग्रीन एनर्जी होगा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। आपको याद होगा जब पिछली बार सऊदी अरब के प्रिंस और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिले थे, तब कहा गया था कि मीटिंग में कुछ गर्मा गर्म बहस हुई थी, और उस मीटिंग में सऊदी अरब के प्रिंस ने कुछ ऐसा मांग कर दिया था जो बाइडेन को पसंद नहीं आया था, और बाइडेन वहां से वापस आ गए थे। लेकिन अभी एक खबर आती है, और इस खबर में ये कहा
कहा जाता है कि अमेरिका नाटो की तरह सऊदी अरब को सुरक्षा देगा। सबसे पहले आपके मन में ख्याल आएगा सऊदी अरब को डर किससे है, तो आपको बता दें सऊदी अरब को डर है ईरान से। ईरान के हुती विद्रोही कई बार लगातार सऊदी अरब के जो तेल के कारखाने, तेल के रिफाइनरी, तेल की सर्विस देने वाली संस्थाएं वहां पर लगातार हमला करते रहते हैं और इससे परेशान रहता है सऊदी अरब। सऊदी अरब अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहता है। ऐसे में अमेरिका की ये गारंटी कि हम नाटो की तरह आपको सुरक्षा देंगे, कहने का अर्थ ये है कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो उस हमले को माना जाएगा अमेरिका पर हमला और इसी तर्ज पे हम सुरक्षा देंगे। सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा जाता है कि उस मीटिंग में बाइडेन से यही मांग की थी और कहा था कि आपसे हम रिश्ते तभी ठीक करेंगे जब आप हमें ये गारंटी दोगे, और अब जाकर अमेरिका हाँ बोल रहा है। अब अमेरिका जब हाँ बोल रहा है तो अमेरिका ने भी कुछ शर्त रखी होगी, तो अमेरिका ने भी शर्त रख दी है। अमेरिका ने ये शर्त रख दी है कि तुम इजराइल के साथ दोस्ती कर लो और इजराइल के साथ दोस्ती करके रिश्ते अच्छे कर लो। इस छोटी सी चीज के लिए अमेरिका इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, तो आपको बता दे नहीं। अमेरिका यहाँ पर एक तीर से कई सारे शिकार कर रहा है। अमेरिका ने ये प्रस्ताव रखा, इस प्रस्ताव का मतलब समझिए। आपने देखा होगा जब G20 सम्मेलन के दौरान IMEC की घोषणा हुई, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की घोषणा हुई, और इस इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में ये देखने को मिला कि किस तरीके से ये जुड़ रहा है और ये गेम चेंजर बन रहा है। लेकिन इस मैप में दो देश थे जो एक दूसरे के दुश्मन है, वो है इजराइल और सऊदी अरब। इनमें अगर दोस्ती हो जाती है तो ये पूरा का पूरा कॉरिडोर बहुत ही धांसू तरीके से चलेगा। आपको याद होगा इजराइल के PM ने UN में खड़े होकर एक नक्शा दिखाया था और इसी कॉरिडोर का वो नक्शा था। इसके साथ साथ उन्होंने एक दूसरा नक्शा भी दिखाया था जिस नक्शे में उन्होंने कहा था कि अब लगभग सारे देश हमारे समर्थन में आ रहे हैं। यहाँ पर इस कॉरिडोर के बनने से चाइना तो कहीं दूर जाकर गिरेगा, चाइना का पूरा मंसूबा ही फेल हो जाएगा। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से चाइना का BRI ध्वस्त हो जाएगा। दूसरा, अगर ये कॉरिडोर विकसित होता है तो भारत को तो फायदा होगा सो होगा, अमेरिका के लिए फायदे की बात है कि मिडिल ईस्ट चाइना के चंगुल में जाने से बच जाएगा। अब इजराइल के लिए भी फायदे की बात है कि सऊदी अरब उसका पार्टनर बन जाएगा। पर एक देश है जो बेचारा इसमें बेमौत जा रहा है, और वो देश कोई और नहीं है बल्कि फलस्तीन है। फलस्तीन का नक्शा तो वैसे भी दिन प्रतिदिन छोटा 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 होता जा रहा है। माना जा रहा है कि इस एग्रीमेंट के बाद अब फलस्तीन के लिए धीरे धीरे ऐसा समय आ जाएगा कि फलस्तीन कहीं ना कहीं जाकर इसराइल में ही विलय हो जाएगा और इसका अस्तित्व अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। खैर, ये जियोपॉलिटिक्स है, ना तो परमानेंट दोस्त होते हैं और ना ही परमानेंट दुश्मन। इसी रास्ते पे चल रही है चीजें। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।